सीमा पर लड़ने वाले जवानों की कलाइयां जब रक्षाबंधन पर भी सुनी रहती हैं तो उसका दर्द सिर्फ एक जवान ही समझ सकता है। मंगलवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर अंजू चौधरी की अगुवाई में महिलाओं ने गोरखा रेजिमेंट के जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांध जवानों की चेहरों पर कभी ना भूलने वाली खुशी दे दी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर अंजू चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं की ओर से जीआरडी परिसर में रक्षाबंधन से पूर्व रक्षाबंधन समारोह का आयोजन कर जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी गई। सुबह से ही जीआरडी के में जवान वर्दी में तैयार होकर अपनी बहनों का इंतजार कर रहे थे। राखी की थाली के साथ बहनें आ गईं और जवान एक कतार में हाथ बाहर निकाल अपनी बहनों के सामने खड़े हो गए। बहनों ने राखी बांधनी शुरू की तो किसी की आंखें नम हुई तो किसी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। बहनों ने जवानों की आरती उतारी, टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई तो जवानों ने भी बहनों को उपहार स्वरूप आशीर्वाद दिया। इस दौरान सेना के जवानों की ओर से राखी बांधने वाली बहनों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेना के सूबेदार नरेंद्र तिवारी और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा, हम लोग पाला जी दान मेंद्रो महाबला देन तो माफी भद्रम चलते हैं कि पूरा भारत हमारा घर है और हमारी बहनें जहाँ भी हैं हमें याद करती हैं और हमें कभी भी किसी भी त्यौहार में, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हम सबको ऐसे फील ना हो पाए कि हम घर से दूर हैं, तो हमारे लिए बहुत हार्दिक प्रसन्नता का दिन है कि हमारी बहनें हमारे बीच आई। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष यहाँ आई हुई हैं, उनके साथ में अग्रवाल समाज और भी कभी महत्वपूर्ण समाज हैं, उनकी बहनें आई हुई हैं और उन्होंने हम सभी फौजी भाइयों को राखी बांधी है और उनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। हम सभी फौजी भाई उन्हें हमेशा रक्षा का वचन देते हैं और अपने देश की रक्षा अपने जान पर खेलकर भी करेंगे, ऐसा हम उनको वचन देते हैं। आज राखी के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर बहनें आए हैं अपने
भाई जो है जीआरडी के हमारे जवान हैं, उन लोगों को राखी बांधने के लिए, क्योंकि वो पूर्वजों से चला आ रहा है कि आज के शुभ दिन बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांध करके टीका लगा कर मुँह मीठा करके उनको आशीर्वाद देती हैं। जो लंबा आयु उनका हो, वो हम लोगों की रक्षा करें, हम उनके आयु की रक्षा करें, उनके परिवार की देखभाल करें और हमेशा वो हम लोग के साथ रहें, ऐसा चला आ रहा है पुराने समय से। और आज हम लोगों ने यही प्रार्थना किया है भगवान से अपने जवानों के लिए, और कई वर्षों से हम लोग लगातार जीआरडी में आते हैं, हमारे जवानों को राखी बांध करके अपना आशीर्वाद देते हैं।